ब्रिंग वन पर्सन जिसने कहा हो कि मैंने सुनील को या पाक वील को पैसे देके उससे अपनी मर्जी की चीज बुलवा ली। 60-70 लाख में कोई एक गाड़ी का नाम लेते हैं। मेरे वाले साहब कहते होते हैं, कहते हैं सारे जिनादे ने जो कुछ चलता भी है। एट ए टाइम गैराज में इस टाइम कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? इस टाइम सोचना पड़ रहा है, ये चाहता हूँ मैं जिंदगी में। नहीं, गिनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फूडीज़ कारपूल शो का एक और एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ना तो किसी तारुफ के मोहताज हैं और आप सब पहले से उनको जानते हो, मिस्टर सुनील मंच। सर क्या हाल है, कैसे हैं? मिस्टर का टाइटल आपने दे दिया है। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। दो मंच बरादरान इकट्ठे हो गए और मैं कह लगा था कि मंच इकट्ठे हो गए, हम दोनों वैसे जात से मंच और पेट से बांटे। सही बात है, खाने के लिए बट बन जाते वैसे मंच। ये बात बिल्कुल सही। खाने के कितने शौकीन है सुनील भाई, मुझे ये बताइए। यार बहुत ज्यादा, मेरी जिंदगी में मैं देखता हूँ कि खाना जो है ना, मतलब गाड़ियों के अलावा अगर दूसरी चीज कोई बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है वो खाना है। ओए होए होए। और हर जो है ना रोज खाने से अगले खाने के हो रही थी कि अब क्या खाना है, अब क्या खाना है। और दोस्तों में जब इकट्ठा होना तो खाने पे इकट्ठे होना है, रोटी पे इकट्ठे होना है, रोटी में क्या खाना है, हर किस्म की चीज। अभी आज हमारा दोस्त एक आ रहा है, उसको मैंने कहा कराची से निहारी लेके आ, तो पैक करा के लेके आ। अच्छा, मतलब इस लेवल के आप शौकीन हैं कि वहां से कराची से निहारी मंगवाई है? मुकम्मल। ओए होए होए। पूरे पाकिस्तान में हर जगह होता है। लाहौर में आप? ये लाहौर में निहारी बारिश की, उर्दू बाजार, पैसा अखबार वाले। मुझे ये कंफर्म हो गया कि आप बहुत बहुत अच्छे नस्ल के फूडी हैं। बाकी सारी जो होती है ना वो जाली निहारी है। सही बात है, 100% आटा क्या क्या डाल देते हैं। अभी हम क्या खाएंगे, ये आपकी इस शो का जो एक मेन मकसद है वो यही है कि अपने गेस्ट की मर्जी का खाना हम खाते हैं। यार मेरी मर्जी तो मेरा ख्याल है पूरा महीना खाते रहे। पूरे महीने की लिस्ट है। मैं अल्लाह की बताऊँ, मैं कराची जाता हूँ ना तो काम से ज्यादा या जो और चीज़ के लिए जा रहा था ना, मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि यहाँ गफार जाना है, फलानी ये जानी है, जाहिद की निहारी खानी है, इधर जगह बोंग खानी है। इस तरह लाहौर में भी लिस्ट इज एग्जुबरेंट, बहुत बड़ी लिस्ट है। डिपेंड करता है किस टाइम खा रहे हैं। ज्यादातर वैसे दिन के टाइम तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लाइट ही खाया जाए। ठीक है, तो अब जिस तरह 12:15 हुए में, 12:15 बजे तो आज मैंने इस चक्कर में से नाश्ता नहीं किया कि मैंने कहा चलो मुफ्त का खाना खाएंगे, टिकाए खाएंगे। नहीं, लेकिन मैं टिकाए खाने वाला मतलब मैं एक खाने का शौकीन भी बहुत हूँ, लेकिन दूसरा मैं वेट वॉच बहुत करता हूँ। बिकॉज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, 1998 में ना, ठीक है, मेरी वेस्ट 40+ थी। और जब मैं जीन्स लेने जाता था तो वो कहते हैं आपकी साइज की जीन्स नहीं मिलती। दोनों भाइयों में बहुत सिमिलर। हाँ, तो फिर जब मैंने वेट लूज किया टू 28, फिर मतलब मेरे स्कूल के जितने दोस्त हैं उन सबको पता गया मोटा होता था गवर्नमेंट कॉलेज तक। उसके बाद जब मैं लाम्स गया था तब एकदम पता नहीं लोग कहते हैं कि कुड़िया ने वेकेशन पतला हो गया। अच्छा। लेकिन वो उसके बाद से पतला हो, लेकिन मुझे खाने का इतना शौक है। मैं मीठा नहीं लेता इसलिए कि चीनी ना लूं चाय में ताकि खाना ज़्यादा खा सकूं, और कम क्वांटिटी में खाता हूं लेकिन खाता हर जगह। ये मेरी जो आप बातें बता रहे हैं इतनी सेम हरकतें हैं हम दोनों की। मैं 140 kg में था और वही स्कूल की लास्ट जो पेंट है वो 50 वेस्ट की मैंने सिलवाई थी, तो वो सारी सिमिलैरिटीज है। मीठा तो हमारे अंदर, फिर तुम्हारे अंदर भी हुई होगा, टेंडेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ता है। मैं तो पानी भी पियो लग जाता है। सेम यही चीज़ है। आई टेंड टू हैव एटलीस्ट, मेरा ख्याल मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक ही मील पूरा लिया जाए, नाश्ता और एक मील, बाकी रात का खाना अगर हल्का फुल्का है तो, बट लेकिन हो जाता है फिर भी। और रोटी और चावल अवॉइड करता हूँ, आपस की बात है। जबरदस्त, बहुत बड़ी जबरदस्त चीज़ है कि खाने के शौकीन होने के साथ साथ आप अपनी हेल्थ के साथ भी सिंसेयर हैं। अभी फिर हम क्या खाने जा रहे हैं? यार हम, मेरा ख्याल है स्मैश बर्गर चलते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त आ रहा है कराची से, जिसका मैंने कहा ना जब मैं कराची जाता हूँ तो वो कहता है कराची में ऑजी बर्गर खाए, मैं कहता हूँ लाहौर आके स्मैश खा दे पता लगेगा। ठीक है चलें, स्मैश आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। अच्छा, लेकिन आपने नोटिस किया इनका, आपको लगता है यूनिफॉर्मिटी हर दफा? नहीं, गुड डेज एंड देयर बैड डेज। हाँ बिल्कुल सेम। जिस तरह मेरे इस टाइम लाहौर में दो फेवरेट बीफ बर्गर हैं, एक स्मैश एक डेली डेली को। डेली डेली की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो हमेशा वो कांस्टेंट टेस्ट होता है उसका, जब भी चले जाए मैकडॉनल्ड्स की कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है टेस्ट में, और वो कभी उसने मुझे जो निराश नहीं किया। खैर हम चलते हैं स्मैश की तरफ, वो खाते हैं, दुआ करते हैं कि शायद आज अच्छा हो जाए, अल्लाह खैर करे। अब आप मुझे बताएं जनाब कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है पाक व्हील्स की। पाक व्हील से भी पीछे चलते हैं, अब आप सुनील मंच साहब का मुझे बताएं कि किस तरह से ये सारे शौक हम देखते हैं। माशाल्लाह आपके गैराज के अंदर इस टाइम को 30+, 35+ गाड़ियां खड़ी हैं। वैसे भी हम देखते रहते हैं कि आप इतने गाड़ियों के शौकीन हैं, एक कंपनी को उठा के
कहाँ से कहाँ आप लेके गए, ये स्टोरी मुझे जरा बताएं कि ये शुरू क्या था सारा। अच्छा, दो चीजें, कंपनी को उठा के ले जाने में कंपनी वालों का बहुत ज्यादा हाथ है, पूरी टीम है, नॉट मैं अकेला, बट फॉर्चुनेटली मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि फॉर्चुनेटली फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेट फॉर देम कि आई एम द फेस ऑफ द कंपनी, तो जो मुझे मिलता है वो समझता है मैं ही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स अ कंपनी लाइक एनी अदर मल्टीनेशनल कंपनी होती है, अल्लाह का शुक्र है इट्स नॉट अ सेट कंपनी, वी आर अ कंपनी ऑफ 280 प्लस प्रोफेशनल पीपल, हाईली स्किल्ड मैनेजर्स, और उन सब की मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं सिर्फ जो है ना दाद वसूल कर रहा हूँ, मेहनत उनकी है, मैं तो घूमता फिरता हूँ। यहाँ पे आपकी बात काट के मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हम अक्सर आपकी वीडियोस में जो है ना वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आप रिव्यूज कर रहे होते हैं, बाहर फिर रहे होते हैं। मैं सुनील भाई के ऑफिस गया हूँ 3-4 दफा, इनका माशाल्लाह ऑफिस इस लेवल का है कि आपको जाके लगता है एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप आए, बहुत बड़ा एक फ्लोर, और जनाब मैं तो हिल गया था पहली दफा जाके। नहीं, लोगों को जनरली की वेबसाइट है तो सिर्फ एक कंप्यूटर रख के बैठा हुआ है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि इतना स्टाफ बैठा हुआ है, लैन टू लैन बंदे होते हैं पूरा, वो सारे फंक्शन है, कॉल सेंटर है हमारा, एचआर लेदा है, फाइनेंस लेदा है, सेल्स लेदा है, मार्केटिंग है, फिर हमारा इन हाउस इंजीनियरिंग टीम है, तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी। वो है लोगों को लगता है कि जिन्हें वेबसाइट है तो सिर्फ एक कंप्यूटर रख के बैठा हुआ है, तो बात ये मैं कह रहा था कि उन सब की मेहनत है। हाउ इट स्टार्टेड, और गाड़ियों का शौक का मैंने इनहेरिट किया अपने वाले साहब से। अच्छा, हाँ, मेरे वाले साहब को बहुत शौक था, हम बचपन में, बल्कि हमारे पास एक हमारा जोक भी था आपस में कि जितने का घर होता था उसे महंगी गाड़ी होती थी। अच्छा। और लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे याद है हमने गांडाउन में घर लिया था तो जमाने में एक एकॉर्ड होती थी, ठीक है, तो वो एकॉर्ड भी तकरीबन 11-12 लाख रुपए की थी उस जमाने में, उस दौर में, अर्ली, मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ली 80s की बात है, ओए होए होए, आज का करोड़ रुपए, 86-88 की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में गांडाउन में घर था 10 लाख रुपए का, एक कैनाल का, और 11 लाख रुपए की गाड़ी थी, ओए होए होए। तो और मेरे वाले साहब को बहुत शौक था, वो कभी अक्सर इम्पोर्ट करते रहते थे, बल्कि पहली दफा बड़ा मजे का वाक्य है, हम छोटे छोटे से नाइट राइड आती होती थी, ठीक है, तो हमने देखा तो ऑटो गियर खुद ही चल जाती है गाड़ी ना, यू गियर भी खुद आदमी लगाना पड़ता, सही है। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि मैंने गाड़ी मंगाई है, हम ना उस जमाने में अड्डे से गाड़ी लेने जाने का बड़ा शौक होता था, और गाड़ी आती थी वो ना ग्रीस आती थी बाहर से। अच्छा, तो जी ग्रीस गाड़ी आई है जी, होंडा एकॉर्ड आई है जी ऑटोमेटिक, मैं गया, मैंने कहा जी आप तो गलत कह रहे हैं इसमें, तो ये आप हाथ से आगे पीछे करें, कौन सी ऑटोमेटिक है, उन्होंने कहा तू कितने देखी ऑटोमेटिक, नाइट राइडर में तो खुद ही लगाती है, तो वो खैर बचपन की बात है। उसके बाद भी मेरे वाले साहब को बहुत शौक था, मतलब वो एक ही गाड़ी डिफरेंट कलर्स में भी रखते थे, उनको बहुत ज्यादा शौक था, खुद मंगाते थे, ठीक है, तो वहां से मैंने हेरिट किया था। वाले साहब बिजनेसमैन थे, वाले साहब बिजनेसमैन थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मतलब मैं तो बिजनेसमैन उनके कहीं के परसेंटेज करीब ही नहीं पहुंचा आज तक। अच्छा, उम्मीद है कि कहीं पहुंच, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या क्या, इंपोर्ट करते थे, एंड आई इट वाज द वन ऑफ द अर्ली इंपोर्टर्स जो पाकिस्तान में जो है, जितने बड़े इंपोर्टर्स हैं अभी, आज तो हर बंदा ही कर रहा है, उस जमाने में बहुत कम लोग करते थे, तो मेरे वाले साहब उनमें से थे, अर्ली जो थे ना लोग करते थे इंपोर्ट, उन्होंने माशाल्लाह बहुत कारोबार किया, उनको शौक था गाड़ियों का। अच्छा, मैंने उनसे इनहेरिट किया, ठीक ठीक, और उसके बाद स्कूलिंग हमारी डीपीएस मॉलटाउन में थी, मॉलटाउन में अगर आपको जाए तो किसी को पता लगेगा डीपीएस कहाँ है, आप शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में मुझे तो अभी भी लगता है कि बड़ा अच्छा स्कूल है, और बहुत अच्छा स्कूल था और आज भी है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, जब गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे तो पहली गाड़ी मैंने तब ली थी, हाँ, मेरे वाले साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तो गाड़ी ले दूंगा, जाना तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, वरना वो सेल्फ फाइनेंस की एक फीस थी, वो 3 लाख 3.5 लाख थी उस जमाने में, तो सेल्फ फाइनेंस पे अगर तुम्हें कराना है वो पैसे तुमने बचा लोगे, बनना रावी नहीं है, तो वो अट्रैक्शन भी बड़ी थी उस उम्र में, यार अपनी गाड़ी मिलेगी, तो पहली गाड़ी मैंने ली थी, तब डिसीजन ये था कि जी एक सुजुकी की आती थी 0 मीटर खैबर, वो 3.5-4 लाख की थी उस टाइम पे, और एक थी मित्सुबिशी लैंसर, वो मेरे वाले साहब के दोस्त है नदीम अंकल, उनकी थी 0 मीटर। अच्छा, उन्होंने ली भी थी, ठीक, तो उन्होंने कहा दोनों में चॉइस, मुझे मैंने कहा यार कोई मुकाबला ही नहीं, लैंसर सनरूफ फुल ऑप्शन गाड़ी थी उस जमाने की, सुपर सैलून लैंसर थी, मैं तो वो लेनी है, बड़ा मुझे जोर लगाया कि नहीं जी वर्कशॉप में ले जाएगी लैंसर, मैं कह नहीं जी कोई मसला नहीं, हालांकि इतनी पुरानी थी, 990 मॉडल थी, 5 साल पुरानी गाड़ी थी, लेकिन उस दौर में एक क्लास थी सर, वो आज भी वो लेंसर क्लास ही है, मैं अगर आपको आज भी दिखाऊं, मैं हमेशा कहता हूं लेंसर और गैलेट ऐसी गाड़ियां हैं जो कि टाइमलेस होती हैं, मतलब गाड़ियों की मैनर ब्लो ऐसी है, आप उनको जो मर्जी टाइम में देखें वो एक जैसी लगती है, उन्होंने बुढ़ी नहीं होना, हां वो बुढ़ी नहीं होती, ठीक है, वो गाड़ी आ गई आपकी, तो वो गाड़ी ली, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दफा जो गाड़ी का था ना इंसेंटिव वो पढ़ाई के साथ था, गवर्नमेंट कॉलेज से अब आगे यूटी जाओगे तो गाड़ी चेंज कर देंगे 2 साल बाद, फिर वो एक आया, एक कैरेट लटकरी थी आगे, फिर लम चला गया, उसके बाद उन्होंने कभी पढ़ाई में वालदे ने नहीं कहा कि करो, उन्होंने कहा ठीक है बीएससी कर ली बहुत है, बट देन मैंने कहा नहीं मैंने एमबीए भी करना है, और ऑल दिस ईयर जब तक मैंने एमबीए किया था तब तक मेरे पास हमेशा, और अगेन मैं लोग कहते हैं कि जी पता नहीं, वन शुड बी ऑनेस्ट, मेरे पास ऐसी गाड़ी थी जो मैं जिंदगी में आज भी शायद उस जमाने लेवल की गाड़ी नहीं ले सकता, उस एज के लिहाज से, उस टाइम के लिहाज से, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए आई गॉट अ ई क्लास जो कि उसी मॉडल की थी 2004 में, 2004 मॉडल की क्लास। अच्छा, एमबीए के टाइम में आपने ई क्लास रखी? हाँ, मेरे पास ई क्लास थी, मुझे इसी तरह याद है उसका, मुझे अभी तक प्लेट भी याद है, KP04RXL उसकी यूके प्लेट थी, जेल रोड से लेके आया था 2004 में, 2004 मॉडल की ई क्लास थी, उससे पहले 2003 में 2001 मॉडल की गैलेंट थी मेरे पास, LXC5 नंबर था उसका,
और सर यानी थ्रू आउट द मैं जो मेरा गाड़ियों का शौक है वो मैं 100% मेरे वाले साहब ने डाला और पूरा किया। सही सही सही, पूरा भी करवाया ये उन्होंने पूरा किया। अच्छा MBA लम्स से था आपका? MBA लम्स से था। तो मतलब उस टाइम MBA करते हुए लम्स में आप ई क्लास पे जाते थे, तो उस टाइम फुल मतलब एक अमीर बाप का जो बच्चा होता है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की एक जो है ना, अगर आपने डिक्शनरी में तस्वीर देखनी तो मैं हो सकता था। अच्छा अच्छा, इसके बाद MBA के बाद कोई, मैं बात कर रहा हूँ अब 2015-16 की, सही है, इस टाइम पे या 14 कह लें आप, सही है, इस टाइम पे मैं था कोई मैट्रिक से अभी निकल के, कोई FSC मेरी स्टार्ट हुई थी, सही है, और बाइकिंग का मुझे आपको पता है कि कितना शौक है, तो मैं उस टाइम सिर्फ सारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ना बाइकिंग कम्युनिटी के उनको सिर्फ नेट पे देखता होता था। तो उस टाइम पे आपकी मैंने काफी सारी तस्वीरें देखी थी, संडे राइड्स पे आप जाते थे, ये वो बाइकर आप बीच में बने थे या बाद में वो कहाँ गया शौक वो क्या? यार बाइक का शौक हमेशा से था, लेकिन मेरी वालदा ने ना खड़ी हुई बाइक पे भी बैठना मना किया हुआ था। अच्छा। ये खड़ी है ना बाइक, आप उसको ना बैठ के किसी की बाइक के ऊपर ऐसे बैठ के रेस्ट के लिए मना किया था, नहीं बैठना। सही है। तो 2012 में या 2011 में ना एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा यार फलानी बाइक एक दोस्त के पास खड़ी है, मैंने देखी है, तुम बस जाके मेरे लिए डील कर लो। सीधे जाना? हाँ, यहाँ से जाएंगे ऊपर से, वो सामने इस गली में है, बट ऊपर से यूएल राइड लेके आना पड़ेगा। ओके। तो उन्होंने कहा कि जी जाके डील कर लो मेरे लिए ना, बाइक ले आओ। तो मैं चला गया, उन दोस्त से बात हुई, वो भी दोस्त थे, कॉमन दोस्त थे दोनों, उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ गए हैं, बाइक ले जाएं, पैसे आते रहेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं बाइक लेके आया। अच्छा, मैंने तब बाइक उससे पहले कभी नहीं चलाई थी। हमारे दोस्त हैं उमर भाई, सही, उनका ये शोरूम है बीडन रोड पे। ठीक है। तो उन यार घोड़े जा रहे हैं तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि जी आप ले जाए, मैं ले गया, मैंने घर आके, अच्छा जब मैं लेने गया तो मैंने कहा वाकई वो उमर भाई जो है ना, उन्होंने बोला एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट वाले, उन्होंने कहा इसका ना अगला गियर आगे होता है और बाकी पीछे होते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हैं? तो क्या मतलब? मैंने कहा मैं जिंदगी में कभी बाइक नहीं चलाया, तो ये डिफरेंट मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या मतलब? कहते मैंने कहा यार मैंने ना कभी 70 चलाया था, क्योंकि 70 के सारे आगे थे। मैं कहा मुझे ये बता रहे हैं इसका आगे बाकी पीछे, तो बाकी में फर्क होता है। तो दैट वाज मेरे लिए पहली इंफॉर्मेशन थी वो। तो उन्होंने कहा फिर आप कैसे लेके जाएंगे? मैंने कह रहा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होगी, गियर एक आगे और बाकी पीछे, तो देख लेंगे अल्लाह अल्लाह करके पहुंच जाएंगे। खैर मैं लेकर आया, उस जमाने में मेरी रिहाइश थी डिफेंस में, मैं वहां से माल रोड से लेके निकला, लेता लेता ऐसा ऐसा डिफेंस आ गया। सही है। आके खड़ी की, तस्वीरें खींची, उसको भेज दी दोस्त को, उसने कहा जी इसके साइड पे तो एक स्टिकर लगा हुआ है, गो लिखा हुआ था उस पे। अच्छा। मैंने कहा तो ये बाइक तो गिरा हुआ है। गिरा हुआ है? हाँ। मैंने कहा क्या मतलब गिरा हुआ है? अच्छा। इसका तो जी फलाना 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 चिन्योट में कहीं एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा बात सुन, ना मुझे गो का पता है ना मुझे शो का पता है, तूने मुझे कहा बाइक लिया फलाने के पास खड़ा है, मैं गया, मैं जाके डील करके आया, मैं तो देखी भी नहीं। उसे पूछी, उसने कहा कि हाँ जी मेरे पास थी, बड़ी अच्छी बाइक है, मैंने तो ड्राइंग रूम में खड़ी रखी। इसके बाद खैर किस्सा मुझसे ये कि उन भाई ने कहा नहीं यार ये तो लगी हुई है, आप अच्छा फोन करें जिससे आप। वैसे भी बाइकिंग कम्युनिटी इतनी छोटी सी है कि पाकिस्तान में कोई बाइक कहीं गिरे वो सबको पता लग जाता है, ना भी गिरे तो मैं आपको भी बताता हूँ क्या करते हैं। तो बाइक जो है ना वो नजरों से गिराते हैं, जिस डीलर के पास खड़ा वो कहता है ठीक है, दूसरा कहता है गिरा हुआ, दूसरा कहता है गिरा हुआ। तो खैर वो जब ये हुआ तो मैंने जिनसे ली थी उनको मैंने फोन किया कि भाई वो आपने बाइक का था, उसने कहा भाईजन वो बाइक अब आपका। अच्छा आप ले गए? बस ले गए हैं। तो वो आपका है अब, उस पर गो का स्टिकर लगा या नो का स्टिकर लगा, आपने मेरे पास आए थे, मैं तो अभी घर नहीं आया था बाइक बेचने, आप मुझे आके आपने कहा जी आपके पास बाइक है, मैंने दोस्त के लेने, आप लेकर चले गए। अब वो पैसे आए नहीं आए ये तो एक अजीब सी बात है। ऑल्दो अगर मैं उस टाइम पे बदतमीज होना चाहता मैं कहता ठीक है भाई नहीं है पैसे, खुदा हाफिज़, मैंने दिए नहीं। लेकिन अगेन राजपूतियत आ गई, वो राजपूतियत है चीज। तो राजपूतियत ने मारा ऐसे कि वो बाइक फिर ना खड़ी रही 7-8 महीने मेरे पास। ठीक है। एक दिन मैंने, अच्छा जब बेचने की कोशिश करूँ तो वही नजरों से गिरा हुआ फ्लान टमका। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार नीलमा पैसे तो लग ही गए हैं, चलो देखते हैं क्या होती है मशीन। ठीक है। तो मैंने चलाना शुरू की, फिर 1, 2, 3 फिर इकट्ठी करता गया सीधा राइट। अच्छा। लेकिन मेरा ये था बाइकिंग का कि मैं जब बाइक चलाता था मैंने 60 से ऊपर बाइक नहीं चलाई, और थ्रू आउट चलाते मैं आयतलपुर से पढ़ता रहता था सुकून से। मुझे बहुत डर लगता है, मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत डर लगता है, जिस तरह मेरी वीडियोस में लोगों के साथ बैठा होता हूँ, खुद चलाते हुए नहीं डर लगता। ऐसी बाइक तो मुझे खुद चलाते हुए 90% होता था कि मैं गिरूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता पता क्या है, मुझे पता नहीं जनरली आता है आप गाड़ी चला रहे हो ना तो आपके पास मार्जिन होता है सेफ्टी का, कोई निकल आया गली से तो आपने ब्रेक लगा दी, इधर ये नहीं है, उस चक्कर में मैं फंस जाता था। खैर वो मैंने किया तो एक बाइक लिया फिर चलाया, फिर दो सारे पुराने दोस्त थे जिनके पास बाइकें शाइकें थी, हर संडे को इकट्ठे होनी, फिर वो बाइक का ठरक तो ऐसी ही है स्मैश। अब पता नहीं दिन के टाइम खुला भी होता है कि नहीं, ये खुला तो होना चाहिए, हम लोग पहुंच चुके हैं मिल गई
जगह वाकई है से बेहतरीन बिल्कुल सामने, बनाई भी बड़ी प्यारी हुई है। हुआ ये कि जी फिर वो एक बाइक लिया आया भूसा था वो, तो द फर्स्ट बाइक आई एवर जो है मैंने चलाई वो सीडी 70 लोग कहते हैं चलाओ, मैंने सीधी हायाबूसा, वो हायाबूसा थी पहली, पहली हायाबूसा थी, मतलब हालत थी आपस की बात है कि सबसे बड़ी बाइक लेके उसको चलाने शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, दो मिनट दें। उसमें वो बल्कि चीजें भी सामान भी लगे हुआ था, ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट था, वो इतनी जोर का शॉर्टकट नहीं था ब्रॉक्स का, क्योंकि हायाबूसा के दो बड़े आते हैं ऐसे ही वो नहीं थे, उसमें छोटा ब्रॉक्स का है भी, वो होल कट में आ रहा था जी, सही आवाज खींचता उसकी इतनी आवाज थी। तो खैर वो किया, उसके बाद फिर बाइक्स में आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों के साथ लेते 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 12 से लेके आप समझ लें 17 तक चलाए, 17 में फिर छोड़ दिया। अच्छा, मतलब सही टाइम वो उसी दौरान में मैंने जो है ना वो देखा हुआ था। अब जो है अभी भी हालांकि है बट वो ड्राइंग रूम के अंदर खड़ा रहता है। ये डिसाइड करें जरा इसमें से क्या बिन बड़े दिनों बाद, बल्कि मैंने इलेक्ट्रिक अभी बाइक आए थे वो चलाए, तो फिर मेरी वालदा ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया। पहले दिन मैं रिव्यू बना रहा था, मेरे दोस्त हैं वो सऊदी में होते हैं, सेंगे को ब्रिंगिंग कंपनी, लेयर्स कह रहा हूँ सामने, लेयर्स पढ़ के कह रहा हूँ इवॉल्व के नाम से था। अच्छा, ये वो तो नहीं है जो मेन ये नहीं वो नहीं रोड पे शोरूम, नहीं वो नहीं। अच्छा ओके, ये है अभी आई नहीं कंपनी, उनके 3 यूनिट्स आए थे, एक लिथियम आयन बैटरी में था, एक लेड एसिड में था और एक स्कूटर था, तो वो 3 स्कूटर थे, बल्कि हमारे चैनल पे वीडियो भी थी मेरे ख्याल उसकी हमने बनाई थी। तो खैर वो मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद मुझे भाई ने भी मेरे बड़े ने बोला, वालदे ने बोला कि तुम फिर फ्री होना शुरू हो गए, तुमने बाइक चलानी शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो बाइक है नहीं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो वो मैंने बड़ी चलाई, मैंने तकरीबन 1500 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चलाई पिछले 3 महीने में। ओहो, बड़ा चलाया उनको, बड़े मजे की थी, चार्ज करके चलती नहीं तो टॉय थी, बल्कि मेरी बेटियों को बड़ा शौक था, वो मेरे साथ सैर करती रहती कि चलो ऑफिस में बैठ के सैर करते हैं। सही है। अब से इसमें से ऑर्डर कर, एक और शेख होता है, एक पता नहीं डबल शेख होता है, एक मिल शेख होता है, क्या होता है शेख, हॉट शेख, हॉट शेख, क्लाउन शेख। हां तो मॉन्स्टर शेख आते होंगे, मॉन्स्टर शेख। आपको आप कौन सा खा रहे हैं? मैं छोटा जो होगा लिटिल शेख, लिटिल शेख, वेडिड शेख, वेडिड शेख तो बेचारा वैसे रोता ही रहता होगा। ये शेख साहिबान है, आप वेडिड तो नहीं है ना? नहीं, फिर तो से खुश हो। नहीं, ये शेख साहिबान ही, उन्होंने नाम को रखे, मेरा ख्याल अरबी शेख से शेख रखा होगा, या हो सकता है ओनर भी शेख हो, ये सवाल अच्छे पूछते हैं। वही हो सकता है, माइंड भी करते हैं लोग, लेकिन पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को किसी को कोई सवाल पूछे ना, लोग माइंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई ये शेख क्या है? सिंगल पैटी, डबल पैटी, ट्रिपल पैटी है। नहीं, शेख अरबी शेख है कि कुछ शेख जात और तिल और वो है? नहीं नहीं सर, वैसे नाम रखा हुआ है इन्होंने, जो ओनर है वो शेख है जी, वो शेख है अभी ना, नाम ऐसे थोड़ी रखा है। पाकिस्तानी शेख है, अरबी शेख है सर, पाकिस्तानी शेख। अल्लाह माफी, कुन्नू वाले शेख तो नहीं? पक्की बात है? नहीं, अरबी नहीं। पता लगे ऐसी अंदर जाइए, हाजा बंदोबस्त कर रहा देख, पाकिस्तानी है, हाजा खत्म। हाँ, वो तो मुल्तान थे शेख ने? नहीं नहीं, लाहौर के सर, ये मालूम लाहौर के पास है शेख। अच्छा, वो आजम मार्केट में होते हैं ज्यादातर शेख तो? नहीं नहीं, ये इनका अपने बिजनेस है दुबई में भी, अमेरिका। तो फिर तो अरबी शेख हो गए, किस चीज का है? अपना इंटेलिजेंस ना अमेरिका में है ना, ये सर ओनर है इनके, बाद में दुबई में इनके अपने कारोबार है। अच्छा, बाप बताएं कौन सा खाना चाहिए? जो आपको बेस्ट लगता है, सिंगल पैटी, डबल पैटी, क्या लाइक करेंगे आप? सिंगल पैटी, डबल पैटी, ये 3 पैटी है जी सर। वही होल शेक भी है भाई, इसमें क्या 6 पैटी है? 1, 2, 3, 4 पैटी भी है। हाँ जी, 4 पैटी भी है हमारे पास। आपके पास तो बहुत ज्यादा बाट आते होंगे। पहली बारी, खैर पहली बारी तो नहीं आ रहा, झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। ये आपका इंशाल्लाह कौन से वाला? ये अपना मॉन्स्टर से, मॉन्स्टर में 3 लेयर होती है। नहीं यार, उसे पीछे वाला कर ले, वेडिट कर ले यार, ये दोनों ही वेडिट कर दे और विद मील करना है। प्लेन या मसाला? एक मसाला कर दें, फिर इन कर दें। हाँ, एक मसाला, एक प्लेन। मैं फ्राइज उसके चोरी कर लूंगा। हाँ, आप थोड़े ज्यादा कर लेना, कहते ना हम जाते थे जब गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ते ना, चाहते थे खाने नहीं आ रही जी, जी। तो उसे कहते एक्स्ट्रा ग्रेवी बाद में ले। सही, सही। सपली कहते थे, सपली सपली, ज्यादा ग्रेवी कहते हैं ग्रेवी। हाँ, तो आप हमारे लिए सपली फ्राइज ले आना, लार्ज कर दे, पक्की खा लेना। हाँ, लार्ज कर दो यार, और क्या बात कर दी है। तो फिर वो इस तरह करते करते बाइक का ऐसा खत्म हो गया, शौक अभी भी है देखने की हद तक, बट मुझे लगता है जल्दी पिछले दिनों में हमारे काफी लोगों की, दोस्तों की डेथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं किसी को भी देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार बाइक जो है ना ये शैतानी चरखा है, इससे दूर है। बिल्कुल है, इट शुड बी अ मशीन जो कि आपको खड़ी भी अच्छी लगे बस, ऐसे ही है। और ये बहुत कम लोगों के अंदर कंट्रोल होता है, आपकी तरह जिस तरह एज के साथ आता है, 60 पे जा रहा था एज के साथ। हाँ, ये बहुत कम लोगों में, स्पोर्ट्स बाइक नीचे हो और उसकी आवाज कान में हो तो वो हर किसी की रेस निकल जाती है। ये जो एज है ना, एज के साथ आता है। और दूसरा मैं देखता हूँ यार लोगों में बड़ी हिम्मत है, ये टूर शुरू पे जाते हैं, मेरी तो, तुम भी जाते हो ऐसे, मेरी तो कमर रह जाए। पार्क व्हील्स कहाँ पे आया और किस दौर में आया, क्या कैसे, क्या इसकी क्या स्टोरी थी? पार्क व्हील्स जो है बड़ा पुरानी बात है, तो आप
आपके मरहले एज के साथ ही होगा। 2003 में शुरू हुआ था पार्क व्हील्स। अच्छा, जुलाई 2003 में हनी भट्टी साहब ने शुरू किया था अपने घर के बेसमेंट से, और उनके साथ जो जिन्हें सारा डेव किया था वो जगजीश होता था, वो तो इंडिया चला गया। हनी भट्टी साहब कौन थे जी? हनी भट्टी साहब हमारे को फाउंडर हैं, अभी भी हमारे साथ ही हैं, कराची में होते हैं। ठीक है। हनी भट्टी साहब, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हो तो पाकिस्तान में ट्रैवलिंग में हनी भाई का एक बड़ा नाम है। अभी भी आप पार्क व्हील्स पे जाएं तो हमारे फोरम पे पूरे पाकिस्तान की हर जगह की इन्फॉर्मेशन आपको भट्टी साहब। अच्छा, वो भट्टी साहब हनी भाई अपनी पिजारों को लेके निकल जाते हैं, बलोचिस्तान में स्टार गेजिंग पे भी जाते हैं, काफी घूमते फिरते हैं। ठीक है। तो हनी भाई ने शुरू किया, हम मैं और अदा जो है उनके साथ जो है मेंबर्स में से थे शुरू में। ठीक है। फिर आहिस्ता 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 हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई, देन ही वॉज लाइक यार मैं जो है ना इसके साथ अभी मतलब 2008 में हमने फॉर्मली जो है ना उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू की, और हमने उनसे कहा कि यार हम इसमें इंटरेस्टेड हैं करने को चलाने को। तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो कमर्शियल चीज़ें ऐड होती गई साथ साथ। तो 2003 में जब पार्क व्हील्स शुरू हुआ तो शुरू का मोटो क्या था तब? इट वॉज जस्ट गेट टुगेदर। आप सब हनी भाई उर्दू में कहते हैं, कराची वाले कहते हैं कचहरी करना, कचहरी करना, डेरा कहते हैं ना रात को लगाना। तो उनका ये था कि यार इकट्ठे बैठने के बजाय फिजिकल के ऐसे लोग जिनको गाड़ियों का शौक है वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे और अपना पैशन शेयर करते थे। आप आए, आपने बोला कि यार मेरे पास सिविक है, मैंने सिविक के अंदर ये स्टैंड लगाया, इसके अंदर ये लाइटें लगाई, आपने तस्वीरें लगाई, फोन पे लोड कर दिया। HTML वेबसाइट था, पेज था, और फोरम हमारे बहुत ज्यादा चलते थे। उधर से कराची ने किसी बंदे लगाया तो पूरे पाकिस्तान में जो लाइक माइंडेड लोग थे वो इकट्ठे हो गए। ये वो टाइम था जबकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। हां 2003 तो बिल्कुल मतलब ना ट्विटर ना फेसबुक ऑर्कुट भी नहीं आया था। सो वी पार्क व्हील आप कह सकते हैं वो द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और उसमें जो लोगों को चीज इकट्ठा कर रही थी वो उनका पैशन था, गाड़ियों के बारे में शौक था। वो अगेन चीज ऐसी है कि जो लोगों को इकट्ठा कर लेती है, अगर आप देखें ना, अगर आप बाइकिंग में हैं तो आपको एक सर्जन मिलेगा, दूसरा डॉक्टर मिलेगा, तीसरा लॉयर मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जब देखते हैं तो पूरी कम्युनिटी के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन कम्युनिटी थी, इकट्ठे होते 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 पूरे पाकिस्तान में बड़ी एकदम मशरूम ग्रोथ हुई अगेन, क्योंकि सोशल मीडिया और कुछ था नहीं और एक लोगों के लिए एक बड़ी एक नई चीज थी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्लासिफाइड आए ऑनलाइन, फिर इंस्पेक्शन सर्विस, फिर ई कॉमर्स ऑफ पार्ट्स, फिर डिफरेंट सर्विसेज जो भी टाइम हम उसमें ऐड करते गए। नहीं तो कंपनी वो बहुत लोग पाकिस्तान के अंदर कंपनियां बनाते हैं वो, लेकिन एक लेवल के ऊपर मतलब इस टाइम पाकिस्तान की टॉप जो कुछ कंपनीज हैं ई कॉमर्स उनके अंदर से ये एक आप कंपीट उसको कर चुके हैं, तो वो किस तरह से क्या इसका माइंडसेट था या मास्टरमाइंड कौन है? यार मास्टरमाइंड अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रेडिट शुड बी गिवन वेदर इज ड्यू। तो रजा सही जो है वो कंपनी का सीईओ है। ठीक है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा रजा के अंदर ना मेथोडोलॉजिकल थिंकिंग है। मैं देसी किस्म का आदमी हूँ, मुझे आप कहेंगे ना यार अभी ये चीज करनी मंगवाओ कर लेते हैं, वो पहले बोलेगा अच्छा अगर हम आज ये करें तो हम कल कैसे करेंगे, सही आगे में ये कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड दिस। तो वो बड़ा मेथोडोलॉजिकल चलता है रजा जो है। तो उसने जब हमने पहले दिन से जब शुरू किया था तो ये नहीं हमने कहा था कि ये सेठ कंपनी है, इधर सुनील आ जाएगा, सुनील का भाई आएगा, रजा आ जाएगा, उसका भाई आ जाएगा, इस तरह नहीं हुआ था। प्रॉपर हायरिंग हमने कहा था ये हमें बंदे चाहिए अभी, छोटे भी थे तब कि ये डिपार्टमेंट है इसके लिए, ये है सेल के लिए फलाना बंदा चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो डिपार्टमेंट से ब्रॉडली उनको ग्रो करना शुरू किया, लोगों को एम्पावर किया, कोशिश की कि अपने आप को उससे डिस्टेंस उस तरह से रखें कि हम ठीक है ओपिनियन जरूर दें लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है अपनी बात तो हम उसको ओवर रूल ना करें, लॉजिक से बहस कर सकते हैं आपके यार ये नहीं करना ये करना है फलानी चीज। और वो भी हम बहुत ज्यादा करते हैं मैं और आपस में लड़ाई। अच्छा। बट एट द एंड ऑफ द डे एक डिसीजन होता है, फिर जो डिसीजन होता है वो सब फॉलो करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते पहले 2 से 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, फिर काफी हमने ऐसा नहीं किया कि बिलाव जब बढ़ाई जाए। जब हमें लग रहा था कि हमें जरूरत है एक्सपेंड करने की तब हम कर रहे थे। तो इनिशियल 2008 से लेके तकरीबन हम अगर 10 तक बात करें तो हम 10 लोगों पे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 20 हुए, 30 हुए, अब अल्हम्दुलिल्लाह 280+ है। 280 प्लस अब माशाल्लाह लोग हैं। तो ये अभी जिस तरह हर दूसरे दिन कोई ना कोई गाड़ी रिव्यू हो रही होती है और डिफरेंट आपने जो है वो बना लिए कि ओनर्स रिव्यू आ गया और इस दिन जो है वो सारी न्यूज होती है एक संडे टॉक में रखा जो आपकी होती है, जो होता है वीकली होता है, वीकली होता है वो हो गया। तो ये अक्सर लोगों को लगता है कि ये जितनी भी आप ये रिव्यूज कर रहे होते हैं पेड होते हैं, इसकी पीछे क्या कहानी है, कितनी कंपनीज के साथ आपकी किस तरह से सलाम दो है? चलो ये बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। हमारे यहाँ पे तो मसला ये कि आप कोई भी चीज करेंगे ना तो उसके लिए अगर 10 लोग खुश हैं तो 2 ना खुश होंगे, ऐसे ही है। या अदरवाइज होगा 2 खुश होंगे 10 ना खुश होंगे। बिल्कुल। सो पेड रिव्यू कैसे को कहते हैं कि जी आपको अगले ने कहा कि ये बोलो तो कर दो ये चीज कर लो। ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान में किसी से कोई चीज छुपी भी नहीं है, इंडस्ट्री में 13 प्लेयर है, उन 13 प्लेयर के काफी लोग पूरी दुनिया में रहते भी होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे। ब्रिंग 1 पर्सन जिसने कहा हो कि मैंने सुनील को या पार्क व्हील्स को पैसे देके उससे अपनी मर्जी की चीज बुलवा ली। अच्छा ठीक है। यू कैन स्पॉन्सर माई इवेंट, यू कैन स्पॉन्सर माई वीडियो, यू कैन स्पॉन्सर एनीथिंग ऑन पार्क व्हील्स, बट यू कैन नॉट बाय अ स्क्रिप्ट के आपको कि आपने ये मेरे मुंह में मैं तोता नहीं हूँ।
सही और है। इसकी मैंने एक बंदे को एग्जांपल भी दी थी, एक बंदा आया उसने कहा जी आपने ना ये वीडियो बनानी है तो उसके लिए क्या चार्जेस, मैं कहा वीडियो ऑब्वियसली वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत होती है, उसके चार्जेस हैं वो आप देने पड़ेंगे। तो उसने कहा अच्छा तो फिर स्क्रिप्ट जो है, मैं कहा स्क्रिप्ट किस चीज़ का, वीडियो का, मैं कहा भाई एक मिनट रुक जाए खैरियत है क्या हो गया, कहते क्या मतलब, मैंने कहा आपने कोई ड्रामा देखा, क्योंकि हम टीवी पे आजकल बड़े ड्रामे चलते हैं तो आपने देखा, कहता हाँ, मैंने कहा कौन सा, कहता मेरे पास तुम, मैंने कहा चले आपने उसको स्पॉन्सर कर दिया, कहता हाँ जी कर दिया, मैंने कहा तो क्या आप ये चेंज कर सकते थे कि दानिश की बीवी ना भागे, कहता है जी क्या मतलब, मैंने कहा आप उसका स्क्रिप्ट चेंज करते थे, कहता नहीं, मैंने कहा चले आप वो बीवी चले उसकी भागी आपसे नहीं रुक रही थी, आप ये चेंज करते थे कि आखिरी सीन में वो ना मरे, कहता नहीं, मैं कहता मामा मेरा किसने चेंज करेगा तो क्या मतलब, मैंने कहा भाई वी डोंट डू स्क्रिप्टेड रिव्यू, पहली बात ना स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, आपको स्पॉन्सर करना है आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक ये आपके पास मेरे साथ भी जितने लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि हम एक आई बॉल है हमारे पास, हम आपको उनके तक एक्सपोजर देंगे, बिल्कुल बच्चा ताड़ा है हाँ। साड़ा जो मर्जी रहे ऐसी बोलांगे, बिल्कुल ऐसी है। सो ये बड़ा क्लियर है कि कोई चीज जो है ना आप, मैं और ये मैं बता रहा हूँ, आज को पाक बिल नहीं रही मनी 2003 से आज माशाल्लाह 22 आ गया, 19 साल हो गए, क्रेडिबिलिटी बनाई है, इज्जत बनाई है, नाम बनाया, और ये बात सबको पता है। और मैं हमेशा कहता हूँ चलो यार अगर कोई इल्जाम लगाता है ना कि जी मैं तोता बन गया और मैंने किसी कहने पर कर दिया, टाइम टेस्ट में नहीं है ना, मैं आज तो रिव्यू नहीं कर रहा, बिल्कुल 2016 में हमारा पहला रिव्यू गया था, 16 से 22 छह साल हो गए, एक रिव्यू उठाओ और बताओ कि जी सुनील ने इस गाड़ी की ये चीज कही थी अच्छी है वो खराब निकली, या ये चीज कही थी खराब है वो अच्छी निकली, ठीक है मैं इधर मौजूद हूँ आपकी जूती मेरा सर, सही सही अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है कि ये सिविक एक्स है, ठीक है इसके अंदर शुरू में मैंने जब कहा था तो मैंने कहा था ये बड़े फॉल्ट से मैन्युफैक्चरिंग के, मैंने बिल्कुल सही बताए थे, ठीक है बड़े मेरे से होंडा वाले नाराज थे कि जी शायद इसे टोयोटा ने पे किया, मैंने हमेशा कहा कि टोयोटा ने पे किया तो फॉल्ट भी टोयोटा ने डाल दिए, बट कई फॉल्ट ऐसे हैं जो भी टाइम पता लगे इसके जी स्टेयरिंग रैक का ये वो, ऑब्वियसली पहले दिन मैं स्टेयरिंग रैक नहीं बता सकता था, तो आप कहें जी आपने नहीं बताया था स्टेयरिंग रैक खराब होगा, मतलब मेरे को कोई जादू नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि टाइम आपको बता सकता है कि हमारा आज तक जितने रिव्यूज हैं इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ठीक है बिल्कुल जैसे कहते हैं मतलब बताते ये तो कंफर्म है ना कि आप मतलब तोता नहीं बनते कि वो कंपनी ने कहा कि ये बोलो और वो बोलना है वो आप नहीं करते, ना मैं तोता बनता हूं ना मैं पहले की दौड़ में डलता हूं, लेकिन स्पॉन्सर तो होते हैं ना कि जिस तरह होंडा की गाड़ी आ रही है होंडा ने कहा जरूरी नहीं होंडा की गाड़ी होंडा स्पॉन्सर करे, अच्छा कोई और कर सकता है उस पे आप कर दे, अच्छा मतलब माउंटेन ड्यू करते फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारी जो वीडियोस में माउंटेन ड्यू स्पॉन्सर था, मैंने तो भाई देखो जो गाड़ी आनी उसका रिव्यू बनाना ही बनाना है, आपने स्पॉन्सर करना है नहीं करना है वो दोनों केस में भाईजन क्लियरली बात है कि आप मुझे खरीद नहीं सकते, आप मेरी ओपिनियन नहीं खरीद सकते, और आप जो है मतलब ये हमारे यहाँ पे, और मैंने देखा कि शुरू में लोगों को नहीं था, अब लोगों को बड़ा क्लियरली पता है कि भाई आप नया खरीद सकते हैं, बुलशिट करने का फायदा कोई नहीं, ऐसे ही है। तो ये अच्छा ये सवाल मैंने आपसे उस दिन जब हम ऑफिस बैठे थे तब भी पूछा था, और ये अक्सर लोगों को और भी जहन में सवाल होगा कि मेन पार्क व्हील्स का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या 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 चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ये तो सबसे ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्लियर बता दूं मैं आज, स्पॉन्सर्ड वीडियो नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो यूट्यूब रेवेन्यू I have never seen on that line, जो कहते हैं ना जो आपकी इनकम की वो लाइन है मेरे लिए वो मैटर नहीं करती, ठीक है तो मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, अरे कोई बड़ा क्लियर बता दूं कि पार्क व्हील अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी कंपनी है उस स्कीम ऑफ थिंग में वीडियो का स्पॉन्सर होना ना होना या यूट्यूब से रेवेन्यू आना डजंट मैटर ठीक है, आप उस चीज को नहीं देख रहे होते, मेरे लिए वो कारोबार है ही नहीं, आई एम नॉट इन बिजनेस ऑफ मेकिंग वीडियोस, आई एम नॉट इन बिजनेस ऑफ सेलिंग वीडियोस, ठीक है वो एक बिजनेस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जरूर हो सकता है, ठीक है द मेन बिजनेस पार्क व्हील्स इन इज क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है हम, और हमारा जो बेसिक मकसद है और जो हम हमेशा कहते हैं कि इट्स टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय सेल देयर कार्स, ठीक है सो क्लासिफाइड होता क्या है, आप आए आपने एड लगाया दूसरे ने आके एड खरीद लिया, दिस इज आवर कोर बिजनेस, ठीक है अब उसमें दो तीन चीजें हैं, आप क्लासिफाइड पे आके एड कब लगाएंगे, जब आप एड लगाएं तो आपकी चीज बिक भी जाए, सो मार्केट की दो साइड है सप्लाई एंड डिमांड, आपने सप्लाई कर दी आपने चीज लगा दी, अगर डिमांड नहीं है तो आप अगली बार ही नहीं लगाएंगे, सिमिलरली अगर आप डिमांड है और वहां पे सप्लायर ही ना हो तो मार्केट में लोग नहीं आएंगे, सो किसी भी मार्केट प्लेस में पार्क व्हील्स हो कोई भी और हो दोनों चीज जो है ना वो मैनेज करनी होती है, सप्लाई भी हो डिमांड भी हो उन दोनों को मिक्स मैनेज करना है, एंड दैट इज आवर कोर बिजनेस, द कोर बिजनेस इज क्लासिफाइड ऑफ कार्स, कार से रिलेटेड पार्ट्स, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, ट्रैकर, कोई भी चीज गाड़ी से रिलेटेड आपने खरीदनी है बेचनी है तो पार्क व्हील्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, सही 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 यार भाई okay. एक ये और चाहिए होगी कि दोनों एक में कैसे खाएंगे, हाँ यार एक ट्रे तो ला दो okay, boss. ये लो बस फिर एक जमाने में वैसे आपस की बात है जब मैं स्कूल में था मैं बताऊंगा तो हंसना शुरू हो जाएगा क्या तुम डीपीएस में गए थे ना मैं डीपीएस से हूँ लेकिन लाहौर वाले से नहीं हूँ अच्छा लाहौर डीपीएस में मैंने मैट्रिक किया 95 में पता कितने का बर्गर होता था कितने का सिंपल बर्गर 1 रुपए का नहीं यार आलू वाला अंडे वाला 2 रुपए का
₹5 अगर आप लेके जाते थे तो उसमें आप एक कोक, एक बर्गर और एक पिंग पोंग की बॉल भी लेते थे, क्योंकि हम पिंग पोंग की बॉल से क्रिकेट खेलते थे। तो ₹5 में सारा कुछ होता था, ठीक है। और उस जमाने में हमारे वाले साहब हमें बताते थे कि यार हमने ना मोटरसाइकिल लिया इतने ₹100 का और गाड़ी आई ₹70,000 की, तो मैं हंसता था, मैं कहता यार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आपको बर्गर करके लगता है यार, नहीं बर्गर वॉज सपोज टू बी अ चीप मील राइट? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अब देख लें ये ₹1,000 ₹1,100 पर हेड से भी ऊपर चला गया है। ऐसे ही है ₹1,150 पर हेड, क्रीम से भरा हुआ यार, तो क्रीम से भरपूर अच्छी बात है। तो वो डबल पेटी, अच्छा इनका पोटैटो बन होता है ना, बन अन्य वह सॉफ्ट है, पोटैटो बन होता है। तो पोटैटो यार ऐसे दुनिया में दो चीज़ें हैं जो इंसान को ना डाइटिंग को तबाह करती हैं और वो मैं नहीं छोड़ सकता, एक खीर और दूसरा आलू, दोनों के शौकीन। भाई आलू के चिप्स मुझे कहीं मिल जाए दुनिया में, साथ मेयोनीज और केचप हो, जिंदगी गुजार लूंगा। वो खासकर में मिलते हैं यहाँ से गुलबर्ग में ना, पठानन बनाते हैं और उसके साथ मसाला और गंदी वाली केचप, वो वाकई उसका उसका एक अपना ही लेवल है। गंदी केचप का जो खाने का मजा है ना, गंदी केचप ना, वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। वो गंदी वाली जो केचप होती है ना वो ये वाली नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी वाली है। अच्छा कई चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनियों की चलती हैं, वो पता नहीं खुद ही उसको ना तबाह कर रहे होते हैं। एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स वालों ने बीच में कैरमल चाहिए शुरू किया, कमाल चलता था, कमाल बंद कर दिया। उधर जाते हैं नैंडोज, उनकी जो पैरी बाइट्स चलती थी वो नहीं होती, पोटैटो वेजेस नहीं होती, ऐसी है। अच्छा एज अ नेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वैसे गाड़ियों में भी ये बात हो रही थी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। पाकिस्तान का इशू ये हमारा कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते प्रायोरिटी में। आज एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है ये अच्छी है, अगली कहती है नहीं ये ज़रूरत है, फिर दूसरी बताती है कि ये अच्छी है। नहीं अब आप देखें कि जिस तरह इंपोर्ट में मसले आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह फूड ब्रांड्स में तो बहुत देखा है पिछले एक साल के अंदर इनका टेस्ट बहुत सफ़र हुआ है, हार्डीज तो अच्छा खासा हुआ है ना। और इस तरह अब गाड़ियों में जिस तरह CBU बंद कर, ये क्या फ्यूचर है इन चीज़ों का, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, या क्यों नहीं हम इम्पोर्ट आने दे रहे, ये क्या रोल है यार? कंसिस्टेंसी और पॉलिसी के इशू में बता रहा हूँ, जब हम छोटे थे ना मैं हमेशा गाड़ियों की बात करता हूँ कि हम इंडियन मूवी देखते थे तो उनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी मारुति होती थी जिसको हमारे यहाँ मरगला कहते थे, बाकी सारी उनकी छोटी छोटी गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे लैंड क्रूजर वो चलते थे। प्रायोरिटी की बात है, आज तो देखो दुनिया का हर बड़ा ब्रांड मौजूद है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके गए, उन्होंने कहा जिसने बनाना ही बनाओ। अब जिस तरह कोविड आया था ना उसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री में कई चीजें बनी है क्योंकि वो बाहर से सस्ती आती नहीं, पाकिस्तान में महंगी मिलती थी फैसलाबाद से इधर उधर, लेकिन हुआ ये कि लोगों ने कहा जब आई नहीं रहा तो फिर यहीं से लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री चलना शुरू हुई काफी चीजों में ऐसा। इसी तरह अभी जब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, आपने इम्पोर्ट बैन कर दी तो फिर आपको थोड़ा अरसा ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोगों की क्रिटिसिज्म लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ होता है सियासत में कि मैं अगर सियासी आदमी हूँ ना, मैंने आपको भी लेके चलना है, सबको लेके चलना है, मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, मैं शॉर्ट टर्म सोचता हूँ कि आज हमजा खुश हो जाएगा ना, वोट मिल जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसी है। तो ये जो पॉलिसी है ना ये हमें लॉन्ग टर्म में डिसाइड करनी है कि हमने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, यहाँ बनानी है, बनानी है तो उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, लोकल क्वालिटी कैसी होगी, वो आपके सामने ही है अभी तक। बर्गर की गेम तो है, बर्गर की गेम सॉफ्ट, कैमरे के आगे बर्गर खाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा तमीज से खाने की कोशिश करो। आपको लग रहा है शादी पे बैठे हुए और कैमरे ऊपर आ रहे हैं, ज्यादा है बता रहा हूँ, कैमरे के सामने बहुत ज्यादा तमीज से, हाथ गंदे ना हो, तमीजदार रहूं, मुंह बड़ा ना खुले यार। लेकिन बर्गर वाकई इनका बहुत मजे का है, ये बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, नेक्स्ट लेवल। अच्छा बात खाने की, मैं तो चिकन नहीं खाता था बर्गर में, कभी भी नहीं मैंने खाया चिकन, खाने वाली चीज ही नहीं, खासतौर पे देसी खाएं विलायती चिकन, विलायती चिकन कोई जायका वाकई नहीं, जहर है, उसे बेहतर ना खाओ। अच्छा भाई तो हम लोग टिक्का के बर्गर खाए हैं और क्या मज़ेदार चस आई है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज इस एपिसोड की है कि प्रॉपर नस्ली फूडी के साथ में बैठा, बड़ा मज़े खाना था, बहुत मज़े का। अच्छा हम अब इस बात पे थे कि इम्पोर्ट्स बंद हुई हुई हैं, हाँ जी ठीक है, जो कंपनीज हैं वो किंग बन चुकी हैं, बाहर से गाड़ी कोई आ नहीं सकती, अगर कोई मंगवाएगा तो वो कुछ 4-5 करोड़ रुपया लगा ले अपनी तो अच्छी गाड़ी मंगवा ले। यार इस पे मेरा व्यू जो है मैं बड़ा क्लियर, पहले भी सर हम इंडिया वाली बात करते हैं, हमें एज अ कॉम डिसाइड करना पड़ेगा एक दफा कि हमने इंपोर्ट बंद करनी है कि नहीं करनी है। हिस्टोरिकली हुआ पता क्या, 93 में पाकिस्तान में जब टोयोटा और होंडा वगैरह आए थे उसके बाद एक डिलीशन प्रोग्राम था कि आपने इतने अरसे में लोकलाइज करना है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो प्रोटेक्शन जो प्रॉमिस किया गया था उससे पहले आपने इंपोर्ट खोल दी, फिर मुशरफ साहब आए आपने 10 साल के लिए इंपोर्ट खोल दी, फिर इसने खोल दी, इतना जिगजैग आता है कि आप ऑटो कंपनीज को एक अलबाई दे देते हैं। अब आज अगर आज आप इंपोर्ट खोल देंगे ना तो ये जो 13 कंपनियां आई है ना इनको फिर एक अलबाई मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए।
खासतौर पर एटलीस्ट उस कैटेगरी की जो कि ये बना रहे हैं, और अब तकरीबन हम उधर ही पहुंच चुके हैं. ठीक है, आपको महंगी गाड़ी बनानी है, आपको फरारी मंगानी है, कोई नहीं आपको रोता, आप मंगाएं, आप दें 470% ड्यूटी. ठीक है, सो इस टाइम पे जो प्रोटेक्शन जिस लेवल पे आ चुकी है, लोकल इंडस्ट्री मुझे लगता है कि फ्लरिश करेगी, और इनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि ये कह सकें जी आपने पोर्ट खोल दिया. ऑन द अदर साइड मोनोपोली नहीं होगी, जो आप कहते हैं ना इनकी ज्यादादारी नहीं होगी. देखिए 13 कंपनियां आपस में इकट्ठ नहीं कर सकती. बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर, आप देखें अगर आप पहले दो कर लेती, दो कर सकती थी. क्रॉस ओवर आपने लेनी हो 70-60-70 लाख रुपए में, ऐसी कितनी गाड़ियां, बहुत गाड़ियां वाकई इससे, बहुत ऑप्शंस हैं. तो फिर तो मोनोपोली नहीं है ना, अगर एक बार मैं कर 60-70 लाख में कोई एक गाड़ी का नाम लेते लेने के लिए, चलाने के लिए, लेने के लिए कि ये जिसने लेनी आंख बंद करके ले ले मेरी जो भी गाड़ी बेच रहा हूँ ले करो. 60-70 लाख में बहुत ऑप्शन है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ काफी है. एक नहीं मैं कह सकता, अगर देखा जाए तो स्पोर्टेज भी अच्छी है, टूसों भी अच्छी है, प्रोटॉन बड़ी अच्छी गाड़ी है. ये तो हो गया ना, एक आपने कोई नहीं छोड़ने बात है, मैंने लेनी हो एक. अगर मेरा सवाल पूछे तो मैं 0 मीटर गाड़ी लेने के हक में नहीं हूँ. अच्छा, यूज लेंगे, मेरे पास जितनी भी है सारी पुरानी है. मुझे लगता है दे डिलीवर अ बेटर वैल्यू टू मनी. लोगों का ज्यादातर ख्याल ही होता है कि 0 मीटर गाड़ी लो, 5 साल के लिए ट्रबल फ्री रहो, सड़क के कोने पे ना खड़े हो. मेरा मोटरवे का कोई भी हार्डली ऐसा ट्रिप होगा जिसमें मेरी गाड़ी ना खराब हुई. आई एम ओके विद इट. सही है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता. ठीक है, लोगों को होता है कि यार गाड़ी की बैटरी भी डेड होगी ना, उस जिंदगी में क्यामत आ गई, पता नहीं क्या हो गया, ये हो जाएगा. मैं पहिए फाड़ चुका हूँ मोटरवे पे, गाड़ियां खराब कर चुका हूँ. गाड़ी देखे मशीन है, उसकी कोई भी चीज किसी टाइम भी खराब हो सकती है. आप सर एक्सेप्शनल केस है, आपको गाड़ियों का एक शौक है. मुझे आप 60 लाख रुपए देंगे, मैं तो पुरानी कोई पुरानी कैमरी खरीद लूंगा, पुराना क्रूजर खरीद लूंगा, पुराना प्राडो खरीद लूंगा, पुरानी मर्सिडीज खरीद लूंगा. लेकिन हर बंदा सुनील भाई थोड़ी है कि एक फोन पे जो है वो 100 मैकेनिक पहुंच जाएगा. नहीं पहुंचे भाईजान, मैंने नहीं पहुंचते. मैंने भी उमरान वाली सीरीज की, लोगों ने कहा जी आपको मसला. भाई ये एक ऐसा चीज है जो मैकेनिक है ना, और जो यूज का काम करने वाला है, वो आपके इस दुनिया से बड़ा दूर है कि आप उसके बारे में एक शाउट आउट डाल दें. वगैरह दो बारी डाल वो भी लेकिन मैंने एक इंजन लिया, वो खराब निकला है, मुझे फलाना कहता हूँ तुम्हारा इंजन खराब करके उन्हें कितने जाना है, तुम वीडियो बना के पा देना. और मैं उन्हें कहना यार तू 100 पा, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी चीज बिक रही है. तो वो एक ऐसी चीज है कि जो मैकेनिक है ना भाई, उससे तो यूं मिलना पड़ता है के यार कर देते. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे हमर के ऊपर ना कई क्रोम पार्ट थे जिनको हमने ब्लैकआउट किया था, वो तकरीबन साल हो गया वो खराब हुए. मैं जो मेरा पेंटर बॉय है ना, मैं लिटरली हर हफ्ते उसको फोन करता हूँ, जनाब हो जाएगा. इस संडे का टाइम दिया था भाई ने साल बाद, और वो भी तब मैंने सोचा था मैं कि तुझे आप शर्म आती है. उन्हें कहाँ आती है, आप संडे को भेज देना, संडे को फिर नहीं किया. अच्छा, आपका गैराज टूर की कोई वीडियो है पार्क व्हील्स में? नहीं, आपका अपना गैराज टूर अभी तक कहीं नहीं आया, पूरे पाकिस्तान की गाड़ियां यार वो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा गैराज जो है ना पूरे लाहौर में वर्कशॉपों में फैला हुआ है. अच्छा, नहीं नहीं, एक कोई कई खड़ी है, कोई कई खड़ी, कोई कई खड़ी खराब. मेरे वाले साहब कहते होते हैं, कहते हैं सारे जनाजे ने जो कुछ चलता भी है, कहते हर एक चीज कोई ना कोई मसला. मैंने कहा जी पुरानी गाड़ियां होती हैं, जब कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हैं ना, वो पूछते हैं इसमें कुछ मसला. मैं कहता हूँ इसका ये ब्रेक इस तरह दिमानी, इसका ये खराब है, इसकी फ्यूल की सुई खराब है, इसमें ये. वो कहते हैं यार सही है. एट ए टाइम गैराज में इस टाइम कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? इस टाइम सोचना पड़ रहा है, ये चाहता हूँ मैं जिंदगी में. नहीं नहीं, गिनी नहीं है, सारी पुरानी है. उन सबको आप छोड़ दें, आप गाड़ियां हैं ना, क्लासिकल है. कई ऐसी हैं कि उनको आप अगर 3-4 को बेचें तो शायद ये की है. वो तो एक बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं, मैं कैसे खरीदता हूँ गाड़ी, मैं बताता हूँ. मैं हरी को कहता हूँ मैंने जिंदगी में कभी 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं खरीदी. अच्छा, 1 इंच. ठीक है, पीपल से जी मेरे पास इतनी फाइलें. आई थिंक दैट्स वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ लाइफ. जिस दिन आप मर गए आपके लॉकर में 10 फाइलें थी, आपने एंजॉय की. सही 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 ठीक तो है. इसलिए मेरे पास ही होता है कि मैं पैसे इकट्ठे होते ना थोड़े से. एग्जांपल है कोई भी चीज, कल हमारे दफ्तर एक आया जी, उन्होंने कहा स्कूटर है नया आया है. मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चलाता. मैंने बहराम से कहा बहराम मुझे ये चाहिए. सुनील भाई क्या करना है? मैंने खैर मशीन है लेंगे, 2 लाख समथिंग की थी. मैं कहा ठीक है ले लेते, बजाय इसके कि मैं एक नया फोन खरीदूं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज खरीदूं. मेकअप लगाना तो मैंने है नहीं, सिगरेट पीता नहीं हूँ, तो जो इस तरह पैसे इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई मशीन ले लेता हूँ. आपके बाइक के BMW GS के चक्कर में लास्ट 4 गाड़ियां मैंने उस तरह खरीदी हैं. मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, वो GS और महंगा होता है, वो पुरानी गाड़ी मिलती है वो ले लेता हूँ. फिर इकट्ठे करता हूँ, वो GS और महंगा होता है, वो गाड़ी मिलती है ले लेता हूँ. Z3 इस तरह ली, W140 इस तरह ली, E-Class ऐसे ली, वो तीनों पैसे इकट्ठे किए, वो महंगा होता जा रहा है. चले जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करें. भाइयों को दुआओं में याद रखना है. इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा पार्क व्हील्स का, उधर भी जाओ, जरा सब्सक्राइब का टप्पा लगाओ. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, इतना टाइम.
खाना आपने खिलाया, शुक्रिया। खाने के अलावा आज के दौर में जितना मर्जी कोई अच्छा दोस्त हो, जितना मर्जी करीबी कोई हो, टाइम सबसे बड़ी महंगी चीज है। नौजवानों के लिए और आप जैसे नौजवानों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। हमेशा कहता हूँ जो यूथ है यार, उनसे मिलकर इतना मजा आता है कि नई नई चीजें। आप खुद भी यूथ में अकाउंट होते हैं, क्या हो गया? अच्छा, ये तो आपकी बड़ी बात है। क्या तो आपस की बात है, खान साहब भी यूथ का आइकन है तो मैं भी यूथ में आई जाता हूँ। आपको यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, क्या हो गया सर? जैसे कह रहा हूँ कि जनरली अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो जो हमारी, जैसे कल परसों में से किसी ने पूछा कि 2050 में पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, आई थिंक पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है, बिकॉज वो आप जैसे लोगों के, अकलमंद लोगों के हाथ में, मेरे जैसे लोगों के हाथ में नहीं है। तो इस दुआ के साथ के हमारा जो मुल्क है वो आगे आने वाले दिनों में मजीद अच्छे दिन देखेगा और आने वाले साल बेहतर होंगे। तो आप सबसे दोबारा दरख्वास्त है भाई जान, सब्सक्राइब करें लाजमी, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।